हे गाइस, अभी मैं जा रही हूँ एक दवाई बनाने जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लाइट मैं ऑन कर लेती हूँ किचन का, और आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा दवाई बना रही हूँ मैं। ये है शुगर और प्रेशर, शुगर प्रेशर का दवाई है। तो इसमें लेते हैं हम, लिए हैं 200 ग्राम मेथी पाउडर, मेथी है साबुत मेथी 200 ग्राम, 50 ग्राम कलवंजी और 12 से 15 दाने काली मिर्च का। तो मैं बनाने जा रही हूँ, मेरी सासू मम्मी ने कहा है, मेरे को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए तुम शुगर की दवा वो वाला बना के लेके आना। तो मैं जाने वाली हूँ, अभी टिकट हुआ नहीं है कंफर्म, इसलिए आप लोगों से नहीं बता रही थी। पर मैं दवाई बना रही हूँ तो सोचा कि चलो जब बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, बहुत से लोगों का काम आ जाएगा। तो इस दवाई से बहुत सारे फायदे होते हैं, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है, ये देख लीजिए। ये है 200 ग्राम मेथी, 50 ग्राम कलवंजी है और काली मिर्च 15 से 20 दाना। तो इसे मैंने हल्का रोस्ट कर लिया। अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे, पीसने के बाद इसे स्टोर कर लेंगे कांच के डब्बे में। तो ये बहुत से मतलब दवाई में काम आता है। क्या क्या काम आता है? एक तो पेट की कब्जियत होती है, बाथरूम की कब्जियत में काम आता है, बहुत अच्छा होता है ये। दूसरी बात कि आपको शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। आपको अगर मॉर्निंग में, और खाना कैसे मैं वो भी बता देती हूँ, मॉर्निंग में आप एक चम्मच लीजिएगा नॉर्मल पानी के साथ, और रात में सोते समय एक चम्मच नॉर्मल पानी के साथ। तो इस तरह से आप अगर खाएंगे, एक महीना के अंदर देखेंगे आप या 15 दिन के अंदर देखेंगे आप अपना शुगर चेक करके कि आपका शुगर कंट्रोल में है। ये मैं एकदम दावा के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ हम लोग का आज से नहीं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कर रही है। तो इसीलिए मेरी सासू माँ ने कहा है कि तुम आओगी तो बना कर लेकर आना। तो मैं सोची चलो बना लेती हूँ, फिर टिकट कब हो जाएगा पता ही नहीं, ट्रेन का तो कोई भरोसा नहीं है। तो फिर टाइम मिले या ना मिले तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा जब बना ही रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं ये दवाई बनाने जा रही हूँ, ये शुगर के लिए भी है, प्रेशर के लिए भी है और कब्जियत के लिए भी है। तीनों चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। एक बार आप बनाकर ट्राई करें, कमेंट में बताएं ये सही है या गलत है, ठीक है? क्योंकि ये यूज़ किया हुआ बता रही हूँ मैं आपको, ये आज से नहीं सालों और महीनों से यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ बनाने के बाद। तो सुबह कबीर तो काम पे निकल गए हैं, मैं फिर सो गई थी, वो चले गए थे, तो फिर मैं अभी उठी हूँ 11:30 बजे। तो चलो दवाई पी लिया, तो ये देखिए मेरा दवाई कंप्लीट हो गया पीस करके। दिखाते हैं आप लोग को पाउडर, ये देखिए, ये इस तरह का पाउडर हो जाएगा। ये पीसते वक्त बहुत गर्म रहता है, ठंडी जब हो जाए तो इसे कोई भी जार में या कोई भी ऐसा डब्बा में आप इसको पैक करके रख लेना, महीनों दिन चलता है ये एक महीना का दवाई है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक बार ट्राई करना। जिनको ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है शुगर की, तो आजकल आम हो गई बीमारी, बोलने की बात नहीं है। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। तो वेलकम हो गया आपका सम्मी कबीर ब्लॉग में। मैंने आप लोग को सलाम नहीं किया था, सॉरी। तो मेरा दवाई बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो देखते हैं, अभी कबीर भी आने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, प्रॉब्लम चल रही थोड़ा सा राशन कार्ड का, तो वो फिर से एंट्री हो रहा, क्या हो रहा नहीं पता मेरे को सही से। तो कबीर अभी गए हैं, फ़ोन में की हूँ तो बोले मैं 12:30 बजे आ जाऊँगा। तो अभी 12:15 हो रहा है, वो रास्ते में ही है, बोल रहे मैं आ रहा हूँ। तो आज वो काम से भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को उनको राशन दुकान जाना है, क्या कार्ड वार्ड का मतलब टेंशन है, थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है, थप्पा लगाना है। सब लोग जा रहे, भीड़ लगा रहे, मैं देख रही हूँ। तो मैंने भी कॉल किया तो बोले मेरे को मालूम है, मैं आज सवेरे चले आऊँगा। तो आज काम से आ रहे हैं, अभी रास्ते ही में ही वो आते होंगे। तो चलो मेरा दवाई बन के तैयार हो गया, बहुत फ़ायदेमंद दवाई है ये, बहुत ही फ़ायदेमंद। एक बार आप यूज़ करना, और ये बहुत से मतलब तकलीफ में काम आता है। काली मिर्च इसलिए देते हैं, मैं बता दे रही हूँ काली मिर्च का रीज़न, काली मिर्च इसलिए दे देते हैं दवाई में, क्योंकि शुगर के दौरान जो कटता है, छिल जाता है, कट जाता है, तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो और वो बढ़े ना, तो
तो वहीं पे कंट्रोल होकर रुक जाता है और वो इन्फेक्शन में और कटने छिलने में बहुत काम आता है, उस जख्म को हील करता है, इसलिए काली मिर्च डालते हैं। तो आप ज़रूर बनाना। ओके, ये देखिए समीना पैकिंग कर रही है। अब शुरू हो गए। हाँ सही बात है, पैकिंग कर ले रहे हैं क्योंकि अभी तो मैसेज आया नहीं है, बोले कि मैसेज आ जाएगा, कल का ट्रेन है सुबह 6 बजे का, तो सोचा कि पैकिंग करके रख लेते हैं, कोई ठीक नहीं ट्रेन का, लेकिन फिर भी पैकिंग कर लेते, पैकिंग किया हुआ होगा तो निकलने में आसान है। तो आपका ये दोनों सेट जाएगा? यस। आपका ये ट्रैक पैंट, ये जीन्स का, हाँ एक वाइट पैंट, वाइट पैंट का, अच्छा इसके अंदर ये वाइट पैंट, हाँ हो गया। आपको ज़्यादा नहीं लेंगे, दो चार ही लेंगे। तो ये रहा, मैं और कुछ है क्या? देखो तो झिल्ली के अंदर नहीं, हैंकी है, हैंकी निकालो ना, मैं रहने दीजिए ना। वाह, पास में नहीं है जेब में ना। अच्छा निकाल दो, निकाल के दो। अच्छा ये लेडीज वाला है? यस। मैं सोचा लेडीज वाला होगा। लेडीज वाला नहीं है, लेडीज वाला है, नागपुर गए थे ना तो वही मेरा वाला हैंकी लाई गया था। ये भैया हाँ मैं अपना हैंकी लूंगा अभी। तो ये आपका कपड़ा हो गया तैयार, मैं अपना ले लूँ, ठीक है। फिर अभी थोड़ा मार्केट जाने, दो चार सामान घर पर है, सैंडल वैंडल ले, आज अपना टी शर्ट ले लेना, हाँ। है ना। मेरा ये एक सूट ऑरेंज वाला और एक नाइकी, नाइकी तो मेरा नहीं छूटे। चले तो मिलते हैं आप लोग से मार्केट में। इंशाल्लाह। क्या वो नहीं खुल रहा क्या? खुल गया, खुल गया। अरे बाबू कितना कपड़ा लेंगे? ये मेरा कपड़ा इसलिए रह गया ना, इसीलिए। देखो इन भाई साहब का कपड़ा, जितना इन लोग पहनते नहीं उतना सेज के रखे। ये देखिए, ये देखिए टॉवेल, चार चार टॉवेल, ये वो साड़ी, बैग, हाँ ये देखिए, कुछ पहनना नहीं ओढ़ना नहीं, अब देखो सारा कपड़ा वैसे रखा है। क्या बोलेंगे रहते हुए भी, मेरा पैकिंग हो गया है, अब हो गया ना, उसको बंद करो, रुक जाइए ना, ठीक है। देखिए हम लोग आए हैं जरा मार्केट और समीना ले रही है शुगर वाली, शुगर फ्री शक्कर, वो दुकान के अंदर है और यहाँ पे ना बहुत बहुत ट्रैफिक है, आवाज़ नहीं आ रही है सही से, बहुत सारी ट्रैफिक है, आवाज़ नहीं आ रही है और शुगर वाली शक्कर ले रही है वो, और मैं दुकान के बाहर खड़ा हूँ इसलिए गाड़ी यहाँ पे है। हाँ ये देखिए ट्रैफिक देखिए, इतनी आवाज़ें हैं कि गाड़ी मोबाइल पे आवाज़ बहुत सारा होगा, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे वो जीन्स पैंट की दुकान वगैरह सब है। ओके अब हम चलते हैं, आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग ले चुके हैं ये शुगर वाली शक्कर और अब हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। हाँ वही ठीक। ए ये वाला और एक ये वाला, दोनों पैक कर दीजिए। हाँ दोनों 6 नंबर हैं भैया। हाँ आप लोग भी आइए ये भाई साहब की दुकान से, शॉपिंग कीजिए, चप्पल वगैरह सारे वैरायटी मिल जाएंगे आपको। आपका प्रमोशन कर आओ, सस्ता महंगा सारा। क्या नाम भैया आपका? भैया क्या नाम? नाम आओ धर्मदास भाई की दुकान से, आप सब भी आइए शॉपिंग कीजिए सारे वैरायटीज। हर एक वैरायटी आपको सस्ता महंगा जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। और समीना सामान ले चुके हैं हम लोग,
अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। ये देखिए दोस्त खारी वगैरह ले लिए हैं और बाकी और कपड़े की दुकानें वगैरह सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये है मटन मार्केट और फिर मिलते हैं आपसे। वही कलर का ले लो, सही है। और हम लोग अब आ गए हैं जरा शॉपिंग करने के लिए, आप देख सकते हो। और हम ये वैरायटी इतनी सारी है ना, और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, लेकिन एक बहुत मुश्किल से एक टी शर्ट पसंद आया है, तो वो हम ले चुके हैं, आपको घर जाके दिखाएंगे। और सम्मी ने पैसे कटा ली है, समझे। चलिए ये देखिए, और अब हम चलते हैं। हम तो बोल रहे और पसंद कर लीजिए, वहाँ देखिए अगर पसंद आ रहा है। चलिए आपसे घर में मिलते हैं। हाँ वही वही देखो देखो वो बैकनी वाला दिखाओ, देखिए एक ये वाला है। हाँ अरे यही ठीक लग रहा है। हाँ वही अच्छा लग रहा है, जो पकड़े हो ना वही लेना। ठीक है दिखाओ इधर थोड़ा दिखाओ ना। वो सद्दाम भाई के पास आए हम लोग दवेली खाटी के लिए। ये देखिए और हमारे सद्दाम भाई क्या बने रहे, हैंकी नहीं रखे हो क्या? हैंकी रुमाल 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 नहीं है। अच्छा ठीक, और हम मिलते हैं। ये देखिए दवेली बन रहा है, आप लोग भी देख लीजिए इनकी वैरायटी। ओ रुमाल नहीं है ना, हैंकी नहीं है, सही वाला। ओके ठीक, खा के मिलते हैं आपसे हम लोग। ये सद्दाम भाई का फेमस दवेली, क्या बोलते हैं दावेली, क्या बोलते हैं दावेली दावेली। और दोस्तों हम दावेली खा कर फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि खाने के टाइम में मैं सूट नहीं कर सक रहा हूँ। हाँ तो हम घर आ चुके हैं, हे गाइस बहुत थक गए हैं और हम घर आ चुके हैं। बस मैंने तो पहले ही कहा था तो थोड़ा बहुत सामान लेना था, कुछ खास नहीं। ये कभी के लिए एक टी शर्ट पसंद आ गया, ये देखिए एक टी शर्ट कभी के लिए, ये एक ली हूँ। और ये सैंडल ली तो आप देख ही चुके हो, कुछ खास नहीं है, बस एक और वो सामान। और बस महाराष्ट्र का तो खारी ना एकदम नामी है, खारी बगैर तो मॉर्निंग नहीं होता, खारी और चाय। ये खारी ली हूँ, नमकीन बिस्किट ली हूँ, खारी बस कुछ ज़्यादा नहीं ली, वही बहुत सामान है क्योंकि जाने की जल्दबाजी है। ट्रेन का प्रॉब्लम हो रहा था ना, बार बार ट्रेन का प्रॉब्लम की वजह से हो गया। और मंडे 6 बजे का हम लोग का मॉर्निंग, सुबह 6 बजे का गाड़ी। अब देखते हैं अलहमदुल्ला, चलो टिकट तो कल हो गया कन्फर्म, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारा सफ़र आज का यहीं तक रहा, हमारा ब्लॉग कुछ खास नहीं है, जो भी कुछ रूटीन में था मेरा डेली ब्लॉग है, डेली रूटीन में मेरा जो कुछ था तो मैंने आप लोगों से सब कुछ शेयर किया। और शुगर की मेडिसिन भी हमने आप लोगों से शेयर की, जो बहुत ही बेनिफिट और काम की चीज़ है। और थोड़ी बहुत शॉपिंग थी, अब इंशाल्लाह दिखाएंगे जब निकलेंगे सफ़र के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग यहाँ तक रहा, तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।